हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। सिंदूर से महिलाओं की बुद्धि भ्रष्ट होने का वायरल सच। पहले दावे के मुताबिक सिंदूर में मौजूद लेड का महिलाओं के आईक्यू यानी बुद्धि क्षमता पर नकारात्मक असर होता है। शोध के नतीजे में दावा किया गया है कि सिंदूर के इस्तेमाल से महिलाओं का आईक्यू लेवल कम हो सकता है। सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के दावों से लोग हैरान रह जाते हैं। सिंदूर को लेकर भी इस प्लेटफॉर्म पर एक चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया जा रहा है कि सिंदूर महिलाओं की बुद्धि खराब कर रहा है। लोग महिलाओं को सिंदूर से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। आपको बता दें कि व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक पर लोग इस तरह के मैसेज वायरल कर रहे हैं। वायरल मैसेज में दावा किया है कि न्यू जर्सी के रूटगर्स यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के शोधकर्ताओं ने सिंदूर और उससे होने वाले नुकसान पर शोध किया था। शोध के बाद दाखिल की गई रिपोर्ट चौंकाती है। रिपोर्ट में शादीशुदा महिलाओं और पूजा पाठ में इस्तेमाल में आने वाले सिंदूर को महिलाओं के लिए हानिकारक बताया है। शोध का नतीजा बताते हुए रिपोर्ट में 3 दावे किए गए हैं। यही दावे सिंदूर की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। पहले दावे के मुताबिक सिंदूर में मौजूद लेड का महिलाओं के आईक्यू यानी बुद्धि क्षमता पर नकारात्मक असर होता है। शोध के नतीजे में दावा किया गया है कि सिंदूर में इस्तेमाल होने से महिलाओं का आईक्यू लेवल कम हो सकता है। वहीं दूसरे दावे के मुताबिक सिंदूर का बुरा प्रभाव सिर्फ सिंदूर लगाने वाली महिला पर ही नहीं होता बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चों पर भी होता है और उनका विकास रुक सकता है। तीसरा दावा यह है कि सिंदूर लगाने से महिला के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। सिंदूर को लेकर वायरल हो रहे इन दावों का सच जानने के लिए गंगाराम अस्पताल के त्वचा रोग विशेषज्ञ और डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर HC भरीजा से संपर्क किया गया। डॉक्टर भरीजा को सिंदूर के बारे में वायरल हो रहे दावों के बारे में बताया तो उन्होंने साफ किया कि सिंदूर में लेड का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरीके का केमिकल है। अगर सिंदूर में लेड तय मात्रा से ज़्यादा हो तो एलर्जी हो सकती है। डॉक्टर भरीजा से पूछा गया कि क्या सिंदूर की वजह से महिलाओं का IQ लेवल कम हो सकता है। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बचपन से जितना IQ लेवल है शादी के बाद भी वही IQ लेवल रहता है। महिलाएं शादी के बाद से सिंदूर लगाना शुरू करती है, सिंदूर से IQ लेवल पर कोई असर नहीं हो सकता। जब डॉक्टर भरीजा से दूसरा सवाल किया गया कि क्या सिंदूर से बच्चों के विकास में किसी तरह की परेशानी हो सकती है, उन्होंने बताया कि महिलाएं सिंदूर को माथे पर लगाती हैं स्तनपान कराते हुए या फिर किसी भी तरह बच्चा सिंदूर के संपर्क में नहीं आता, इसलिए बच्चों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तीसरा दावा महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा था। जब उनसे सवाल किया गया कि सिंदूर लगाने वाली महिला को किस तरह की परेशानी हो सकती है, डॉक्टर भरीजा ने बताया सिंदूर में कितना लेड इस्तेमाल किया गया है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। अगर सिंदूर हर रोज लगाया जा रहा है तो एक समय के बाद त्वचा में एलर्जी हो सकती है। जहाँ पर सिंदूर लगाया जा रहा है वो जगह सफ़ेद हो जाती है, तरल होने पर त्वचा ज़्यादा सिंदूर सोखती है। पाउडर सिंदूर के जरिए लेड की कितनी मात्रा शरीर में जाएगी यह कह पाना मुश्किल है। अगर सिंदूर के जरिए लेड ज़्यादा मात्रा में शरीर के अंदर पहुँचता है तो नर्वस सिस्टम पर असर होता है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि सिंदूर में लेड की मात्रा ज्यादा होने पर स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है, लेकिन सिंदूर से महिलाओं की बुद्धि भ्रष्ट होने वाला दावा गलत साबित हुआ है क्योंकि उनकी बुद्धि तो पहले से ही भ्रष्ट होती है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।